हेलो फ्रेंड्स, पिंकी की दुनिया में आपका स्वागत है। आज मैं आपको भरमा बैंगन रेसिपी बताऊंगी, जो बैंगन भर के बनाए जाते हैं। तो ये देखिए, मैंने बैंगन लिए हैं, आधा किलो से ज़्यादा होंगे। इनको मैंने चार पार्ट में ऐसे कट कर लिया है। इसके बाद मैंने 10 से 12 हरी मिर्च ली हैं, 3 टमाटर लिया है, और ये देखिए इतनी क्वांटिटी में लहसुन और प्याज को छील लिया है और धुलाई कर लिया है। लहसुन प्याज का एक साथ में हम पेस्ट बना लेंगे। इसके बाद में टमाटर और हरी मिर्च का एक साथ में पेस्ट बना लेंगे। और कुछ मसाले हैं जो इसमें डालेंगे, वो मैं आपको बताती हूँ। तो देखिए, हमें और मसाला क्या क्या चाहिए भरमा बैंगन के लिए। ये मैंने लाल मिर्च पाउडर लिया है, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, जीरा, और ये एक बड़ी इलायची ली है। इसके बाद नमक, गरम मसाला मेरा घर पर बना हुआ है, और ये 4-5 प्याज जो थी वो मैंने कट कर लिए हैं, और ये 2 तेज़पत्ता लिया है। और रिफाइंड ऑयल तड़का लगाने के लिए और पानी हल्का सा डालने के लिए हमें और चाहिए पड़ेगा। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। देखिए, मैंने गैस पर कढ़ाई रख दी है। अब हम इसमें सबसे पहले बैंगन को फ्राई करने के लिए रिफाइंड डालेंगे। रिफाइंड को गर्म होने देते हैं। देखिए, रिफाइंड हमारा गर्म हो गया है। सबसे पहले हमने जो बैंगन कट किए थे उनको धो लिया अच्छे से काटने के बाद भी, अब इसमें हम फ्राई करेंगे। मंदी आंच पे ही इनको तलना है। इसी तरीके से हमें इनको आराम से फ्राई कर लेना है मंदी आंच में, इसी तरीके से पलटते हुए, ताकि अच्छे से पक जाएं, आधे पक जाएं, पूरी तरीके से ना पकें। बारिश के मौसम की सब्ज़ी में इस तरीके की आवाज़ आती है, चाहे कितना भी धो दें या कुछ भी कर दें, सुखा दें, फिर भी आती है। आप मेरे और भी वीडियोस देखिएगा और कमेंट कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले। इसी तरीके से हम इनको फ्राई कर लेते हैं। देखिए, बैगन मेरे 5 मिनट में अच्छे तरीके से फ्राई हो गए हैं। अब हम इनको एक प्लेट में निकाल लेते हैं, गैस कम करके अब मैं इनको निकाल लेती हूँ। अब हम रिफाइंड को कम कर लेते हैं, फिर इसी में सब्जी बनाते हैं। देखिए, मैंने रिफाइंड को कम कर लिया है। अब मैं इसमें जो तेज़पत्ता हमने लिया था वो डालूंगी, और जो जीरा और जो बड़ी इलायची थी उसको मैंने लहसुन प्याज के साथ मिक्स करके पीस लिया है, और ये जो 3-4 हमने प्याज काटे थे इनको डाल दूँगी सबसे पहले। इसको हमें गोल्डन ब्राउन होने तक अच्छे से पकाना है। आप इस तरीके से भरवा बैंगन बनाइएगा, बहुत टेस्टी लगते हैं, और मुझे कमेंट करके बताइएगा, और मेरे वीडियोस को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और मुझे बताइएगा कैसे लगते हैं इस तरीके से भरवा बैंगन बने हुए। अब इसको हम गोल्डन ब्राउन होने तक भूनेंगे। तो देखिए, प्याज हमारा भून गया है अच्छे तरीके से। अब हम इसमें जो पेस्ट हमने बनाया था लहसुन प्याज जीरा और बड़ी इलायची का, उसको इसमें डाल देंगे। इसमें थोड़ा सा पानी लेके वो भी डाल देंगे हल्का सा, ताकि जो पेस्ट बचा है मिक्सर के जार में वो हमारा। अब इसको हम अच्छे से भूनेंगे, जब तक कि लहसुन प्याज का पेस्ट हमारा ऑयल ना छोड़ दे, है ना। अच्छे से चलाते हुए इसको भूनना है। ये देखिए, प्याज और लहसुन के मसाले को हमने चलाते हुए अच्छे तरीके से भून लिया है। अब हम इसमें मसाले डालेंगे। सबसे पहले आधी से ज़्यादा चम्मच में हल्दी डालती हूँ इसमें, और 2 चम्मच मैंने ये धनिया पाउडर लिया था इसको डाल दूँगी, 1.5 चम्मच लाल मिर्च है, और ये गरम मसाला जो है इसको आधा मैं अभी डाल दूँगी और आधा बाद में डालूँगी, और हल्का सा पानी हम इसमें ऐड कर देंगे। अब अच्छे तरीके से हमें इसको भी भूनना है।
चलाते हुए भूनेंगे इसको भी, जब तक मसाला हमारा ऑयल छोड़ ना दे तब तक। देखिए मसाला मेरा भुन गया है अच्छे तरीके से, देखिए ऑयल छोड़ने लगा है। अब हम इसमें टमाटर का जो पेस्ट था वो डाल देंगे। इसको चलाएंगे, अब इसको भी हम 5 मिनट तक अच्छे से भूनेंगे चलाते हुए। देखिए मसाला हमारा भुनने लगा है, इतनी अच्छी खुशबू आ रही है, आप इस तरीके से ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और मैं वही सामान बताती हूँ कि इस टाइम में मिल पाए, हमारे पास अवेलेबल हो, कोई भी एक्स्ट्रा चीज़ नहीं डालती हूँ मैं इसमें ज़्यादा, कि जो हमारे पास आमतौर पर ना हो हमारे घर में। इसी तरीके से आसानी से जो चीज़ें हमारे घर में मिल जाती हैं वही चीज़ें मैं इनमें डालती हूँ। देखिए मसाला हमारा भुनने लगा है और इस तरीके से चलाते हुए 5 मिनट तक इसको और भूनते हैं। देखिए मसाला मेरा बिल्कुल अच्छे तरीके से भुन गया है, अब हम इसमें बैंगन डालेंगे। ऑयल छोड़ दिया है मसाले ने, ये देखिए। अब हम इसमें जो हमने बैंगन को फ्राई किया था वो डालेंगे। देखिए बैंगन फ्राई किए हुए हमारे, इनको डाल करके अच्छे से मसाले में हमको इन्हें मिक्स कर देना है। और मसाला आपको बैंगन की क्वांटिटी के हिसाब से ही बनाना है, ताकि बैंगन जो है इसमें अच्छे तरीके से पूरी तरीके से अंदर डूब जाए, है ना। देखिए बैंगन हमारे कितने अच्छे दिख रहे हैं, देखिए बैगन हमारे अच्छे से हो गए हैं, अच्छे से डूब गए। अब हमको इनको 5 मिनट के लिए ढक देना है और लो को जो है कम कर देना है, ताकि बैगन के अंदर अच्छे से मसाला चला जाए। तो चलिए 5 मिनट बाद देखते हैं। देखिए 5 मिनट हमारा हो गया है, अब हम बैगन को थोड़ा सा हटा के देखते हैं। देखिए बैगन को चलाने से पहले हम क्या करेंगे, इसमें अपने स्वाद के अनुसार नमक डाल देंगे, ताकि बैगन को हमें बार बार ना चलाना पड़े। बैगन को हमें ज़्यादा नहीं चलाना है, एक दो बार ही, और जो गर्म मसाला हमने बचाया था उसको डाल देंगे। इसके बाद अब हम बैगन को एक बार ही पलटेंगे आराम से, ताकि टूटे ना, इस तरीके से हम इसको एक बार पलटेंगे। अब हम बैगन हमारा लग नहीं रहा है, इसलिए फ्लेम को हाई कर देंगे, ज़्यादा कर देंगे आँच को। बैगन को हमें सिर्फ एक दो बार ही चलाना है, ज़्यादा नहीं चलाना है। अब हमको इसको एक बार और ढक देना है, थोड़ी देर बाद देखते हैं हो गया है। बैगन को देखते हैं, देखिए बैगन हमारा बिल्कुल मस्त यम्मी सा बन करके तैयार है। ठीक है, हाँ टूट ना जाए। देखिए मैं हाथ लगाने से डर लग रहा है, गर्म है इसलिए। देखिए बैगन हमारा बिल्कुल अच्छे तरीके से सीज गया है, मैं आपको तोड़ करके स्पून से दिखाती हूँ, क्योंकि गर्म है। देखिए और बैगन में देखिए हमारा इस तरीके से बनाया है हमने, अंदर तक मसाला इसमें फिल है, बिल्कुल अंदर तक लगा हुआ है मसाला। आप इस तरीके से बैगन बनाइएगा, बहुत ही टेस्टी और स्वादिष्ट बनते हैं। आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक शेयर और कमेंट करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और बैगन हमारा बिल्कुल अच्छे तरीके से बन करके तैयार है। अब हम गैस को बंद कर देंगे और इसको 5 मिनट तक ढक के छोड़ देंगे, ताकि ये ठंडा भी हो जाए और आँच लग जाए इसमें। ये देखिए बैगन हमारे सर्व करने के लिए बिल्कुल तैयार है, कितने अच्छे दिख रहे हैं। देखिए आप इस तरीके से हरे वाले बैगन या जो भी ब्लैक वाले बैगन आते हैं, वाइट वाले भी बैगन आते हैं, वो भी आप बनाइएगा इस तरीके से, बहुत ही शानदार लगते हैं अच्छे। और मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और कमेंट करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं। अगर कोई नया काम कोई करता है तो उसको मोटिवेट करना चाहिए ना, आपको भी मेरी हेल्प करना चाहिए, आपकी हेल्प से ही मैं आगे बढ़ पाऊँगी। इसीलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन को दबाएँ और मुझे मोटिवेट करें। थैंक यू।